आगे बढ़ते लखनऊ में सीएम योगी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ काकोरी रेल एक्शन दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरिया, नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। सीएम योगी ने स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद कर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान का उद्देश्य देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद और उनका सम्मान करना है। फिलहाल आज इस अभियान की शुरुआत हो गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी में मेरी माटी मेरा देश अभियान को लॉन्च किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के हर गांव, ब्लॉक, नगर निगम और नगर पालिका के स्तर पर कार्यक्रम होंगे और प्रत्येक गांव की मिट्टी के नमूने जुटाकर उसे एक अमृत कलश के तौर पर दिल्ली लाया जाएगा। पंच प्रण के जरिए स्वाधीनता की अलख जलाई जाएगी। स्कूलों से लेकर सरकारी दफ्तरों में शपथ कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करें। आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पीएम मोदी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ भी हो रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी शुभारंभ किया था और आज ही का ये दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अनेक आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह की ओर अग्रसर होते हुए 75 सप्ताह के 75 वर्ष के आयोजन को 75 सप्ताहों के अलग अलग आयोजनों के साथ जोड़ते हुए समारोह की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम फिर से भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंकेंगे, अपनी विरासत को संभाल कर रखेंगे, देश की रक्षा को मजबूत करेंगे, हम भारत की एकता को बनाए रखेंगे। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला भारत है। इस भारत के लिए हम सब किन संकल्पनाओं को हम आगे बढ़ा सके कि हमारा देश विकसित हो, हर नागरिक के जीवन में खुशहाली हो, हर नागरिक को देश के अंदर समान अवसर प्राप्त हो। 9 से 15 अगस्त तक यह अभियान चलेगा जिसे गांव-गांव पहुंचाने की योजना है। बीजेपी के इस अभियान को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हिंदुत्व के साथ साथ बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी धार देती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।